सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं स्कैम्स जो कि मार्केट के अंदर चल रहे हैं बहुत वक्त से। एंड ये कोई एक दो स्कैम नहीं है, ये बहुत सारे स्कैम्स है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहला स्कैम जो हम बात करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट जॉब स्कैम। आजकल क्या है ना, एडटेक इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से ना वो क्या कर रहे हैं, कोर्सेज जो हैं वो सस्ता करता जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे कोर्सेज ला रहे हैं जो कि पहले एक बंदे के लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, यूपीएससी को अफोर्ड नहीं कर सकता था कोई भी आम बंदा, लेकिन आजकल उसको अफोर्ड करना इतना आसान हो गया। सात सात आठ आठ हजार के अंदर यूपीएससी के कोर्सेज बांटे जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये मैं स्कैम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार जब ये चीज़ें सस्ती हो रही है ना, इसकी वजह से जो कैंडिडेट है, कॉम्पिटिशन है ना, वो बढ़ता जा रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है ना कि यूथ जो है, बहुत सारे लोगों का दिमाग जो है डाइवर्ट होता जा रहा है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। पहले क्या होता था, पहले लोगों के पास इतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं होती थी कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें और गवर्नमेंट जॉब के अंदर आए, और इतना ज़्यादा वो पैसा भी नहीं खर्च कर सकते थे कोचिंग के अंदर, तो वो खुद तैयारी करते थे। अगर हो जाता तो ठीक था, नहीं तो अपनी ज़िंदगी में साथ साथ चलता रहता था। लेकिन अब ये 7-8 हज़ार भरना, उसके बाद सिर्फ एक ऑनलाइन क्लासेस लेना, उससे आई थिंक कि कुछ नहीं होने वाला। इससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हो रही है कि उन कंपनीज की ग्रोथ हो रही है। आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी कि वहाँ पर अगर वो 7 हज़ार में कोर्स बेच रहे हैं तो वो मासिस के अंदर खेल रहे हैं। 7 हज़ार में अगर वो 10 हज़ार लोगों को भी वो कोर्स बेचते हैं तो आप देख सकते हैं वो कितने लाखों रुपए कमा रहे हैं। कोई ये बड़ी बात नहीं है एक बड़े इन्फ्लुएंसर के लिए, एक बड़ी कंपनी के लिए, जो कि सिर्फ 2-3 हज़ार बच्चों को भी अपना कोर्स बेच दे तो। और ऐसे बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज खोल कर बैठ गए हैं, एंड जिसके नाम तो आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। सो यार ये गवर्नमेंट जॉब के अंदर मैं इसीलिए कहता हूँ कि यार ये स्कैम बन गया, क्योंकि इधर कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। पहले कमी नहीं थी, लेकिन अब और ज़्यादा होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द एगटेक इंडस्ट्री। वहाँ पर सब कमाने के लिए आए हैं, और वहाँ पर क्या है ना, जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, सीट्स और कम हो रही है बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन और बाकी चीज़ों की वजह से, कि गवर्नमेंट ही खुद सीट्स कम करती जा रही है। एंड सेकंड स्कैम जो कि मार्केट के अंदर चल रहा है वो है स्टॉक मार्केट स्कैम। स्टॉक मार्केट का स्कैम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार मैंने अभी लास्ट थोड़े टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा देखा है कि मेरे को ना, जैसे मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत सर्च भी करता हूँ। इस वजह से ना मुझे एड्स दिखने स्टार्ट हो गए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। एंड यहाँ पर आता है एक पॉइंट, वहाँ पर क्या है, एक बच्चा जो है 21 साल का है, उसका नाम पता नहीं, शायद ऐसे स्टार्ट होता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तो उस बंदे ने सिखा रहा है कि कैसे तुम स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। एंड वो अपने लोगों के नाम बताता है कि मैंने इतने सारे लोगों को पढ़ा दिया है, मैंने समझा दिया है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं किसी गांव से आता हूँ। एंड भाई दिस इज द स्कैम जो कि वो कर रहा है तुम्हारे साथ। अगर तुमको स्टॉक मार्केट सीखना है, जो कि मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट सीखते टाइम तुमको खुद सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जब तक तुम स्टॉक मार्केट के अंदर खुद पैसा नहीं लगाओगे, खुद नहीं सीखोगे, तो तुम कुछ नहीं सीखोगे। तो यहाँ पर तुमको किसी भी उद्दू फुद्दू को पैसे देने से जगह, तुमको उस पैसे को खुद के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड खुद पैसा लगा लगा कर देखना चाहिए कि क्या तुम स्टॉक मार्केट को खुद समझ पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने आज स्टॉक मार्केट देखा एंड तुमने एक प्रिडिक्ट करा कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, तुमने पढ़ाई करी उसके बारे में एंड तुम श्योर हो, ठीक है, तुमने थोड़े बहुत पैसे लगा दिए जो कि तुम एक उस स्कैमर को देने वाले थे, तो वो पैसे अगर तुम उसको देते, तुम्हारे तो पक्का डूबने वाले थे। वहाँ पर तुम कुछ सीख भी जाओगे। एंड यहाँ तुम्हारे स्टॉक मार्केट में ना, मेरे को कमाल की बात पता क्या लगती है, कि तुम्हारे सारे पैसे नहीं डूबते होते, तुम्हारे पैसे उतने ही डूबते जितने तुम डूबने देते हो। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये लगाए और थोड़े टाइम बाद उसके प्राइस हो गया 80 रुपये। ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि बिल्कुल स्टॉक जो है डूब ही जाए, कि मतलब जीरो हो जाए वैल्यू। जीरो तो होती नहीं है कभी स्टॉक की वैल्यू एक ही दम से, तो वो भी टाइम लगता है उसके अंदर भी होने में। अगर कंपनी बिल्कुल डूबगी, बहुत ज़्यादा स्कैम्स करके बैठी हैं, बहुत सारी चीज़ें करके बैठी हैं, तो हो जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर भाई चलने वाला है ये स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको कभी बिल्कुल एंड लॉस नहीं होता कि 100 रुपये लगाए और 100 रुपये ही खत्म हो गए, नहीं होता ये,
ठीक है, यहाँ पर अगर तुम किसी को देने वाले थे, तुमको थोड़ा बहुत लॉस भी होगा, तुम उसको बियर कर पाओगे, क्योंकि तुम उस एक फ्रॉड इंसान को पैसे दे रहे थे जो कि 20-22 साल की उम्र के अंदर तुमको सिखा रहा है कि तुम कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, मेरे इसने क्लाइंट ने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया। यार एक्सेप्शन तो होती होती है कि 100 में से 2 लोगों ने कमा लिया, तो कोई वो तो वाली बात नहीं होती। यही कोचिंग इंडस्ट्री करती है और यही ये बंदे करते हैं। एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है इन सब लोगों के अंदर जो भी स्कैम्स करते हैं, यार वो स्टोरी बताते होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर भी, ये मैं यहाँ से आया था, वहाँ से आया था, लेकिन अब मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है भाई, अब तुम देख सकते हो कि मेरे पास BMW है, मर्सिडीज़ है। एंड BMW मर्सिडीज़ से याद आया MLM के बारे में, जो कि एक अपना थर्ड स्कैम कह सकते हैं मार्केट के अंदर चल रहा है। MLM की अगर हम बात करें, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो सिखाते हैं कि MLM जो है ये सही है, यहाँ पर तुम पैसा लगा सकते हो, कमा सकते हो, ये है वो है, बट MLM जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। MLM की फुल फॉर्म अगर नहीं जानते, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। एंड ये मुझे कभी भी अच्छा नहीं आया, राज नहीं लगा मेरे को ये, क्योंकि इस वजह से क्या होता है ना कि प्रोडक्ट्स के प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी भी MLM के प्रोडक्ट को देखोगे, जो एंड कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट आता है ना, तो वो बहुत महंगा मिलता है, समझ रहे हो, क्योंकि उनको कमीशन भी देने होते हैं बहुत सारे लोगों को। एंड दिस इज़ द रीज़न मैं कह रहा हूँ MLM एक स्कैम है। और MLM के अंदर अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि MLM जो है अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो ओनली रीज़न जो आपको ज्वाइन करना चाहिए, अगर आपको मार्केटिंग सेल करना सीखना है, आपको बोलना सीखना है, तो आप MLM ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि MLM के अंदर आपको सीखने को मिलता है कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। भाई मैं एक बार इंटरव्यू के अंदर गया एंड मैंने उनको देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे एक अपना सेमिनार करते हैं, सॉरी इंटरव्यू नहीं, सेमिनार के अंदर गया एंड वो बताते हैं कि कैसे तुम लोगों को अपना सामान जो है वो बेच सकते हो, कैसे इस बंदे ने इतना कमाया उतना कमाया, ये सब चीज़ें वो बताया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम सिर्फ यही चीज़ सीख सकते हो MLM के अंदर। हमने 3 स्कैम्स की बात कर ली। फर्स्ट स्कैम वॉज कि कैसे गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपके साथ स्कैम होता है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर एड टेक इंडस्ट्री आपके साथ कैसे स्कैम्स करती जा रही है, अपना प्रोडक्ट को सस्ता बेच के खुद तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन आपके लिए कॉम्पिटिशन तो बढ़ा रही है, साथ के साथ आपका जो है फ्यूचर भी ख़राब करती जा रही है। सेकेंड हमने बात करी कैसे MLM के अंदर जो है आपके साथ फ्रॉड होता रहता है। एंड थर्ड हमने बात करी स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे एक 18 से 20 साल का बच्चा आपको सिखा रहा है ट्रेडिंग करना एंड बताता है कि हमारे 5 से 7 हज़ार कस्टमर्स जो है उसको उसने सिखाया है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उसको जो उसने सिखाया है। थर्ड वो हो गया। फोर्थ स्कैम जो है हमारा मार्केट के अंदर चल रहा है, यार स्कैम्स की लिस्ट ना बहुत लंबी है, ये कोई 2-4 स्कैम्स नहीं थे, मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था। सो ये वाला स्कैम जो है ये कोई और नहीं, आपके बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर स्टार्स या फिर क्रिकेटर्स कर रहे हैं, जो कि आपको फैंटेसी गेमिंग ऐप्स के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर आपको ये डाउनलोड करना है, इस लिंक से डाउनलोड करना है एंड ऑल दैट स्टफ, जो कि आपको बताते हैं और उधर से आप डाउनलोड करते हो, अपना पैसा लगाते हो, प्रिडिक्शन करते हो, जहाँ पर वो पैसे ज़्यादा कमाते हैं आपसे। अभी आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी फैंटेसी गेमिंग के जो ऐप्स के प्रॉफिट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 1-2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, MPL हो गई, ड्रीम इलेवन होगी, सर्कल वाली होगी, इन सब ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। सो ये दिस इज़ द स्कैम जो कि वो कर रहे हैं आपके साथ। स्कैम मैं क्यों नाम दे रहा हूँ, क्योंकि यार वहाँ पर क्या हो रहा है ना कि वहाँ पर तुम्हारा एक तो टाइम लग रहा है और तुम्हारा पैसा जो है जा रहा है, पैसा ख़त्म हो रहा है और पैसा कमाने के अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आप अपना गैम्बलिंग की बात करो, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है आपको पैसा कमाने की, जहाँ पर उड़ाने की, ठीक है। आई होप आप सबको इन सब स्कैम्स के बारे में पता चला होगा एंड आप सबको समझ आया होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये सब एक स्कैम है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माई नेम इज ध्रुव एंड यू आर वॉचिंग ध्रुव नारायण टॉक्स। बाय 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 बाय।